हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ सी ए नितिन राजपाल, फैकल्टी एट रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, 27 ऑफ द जून से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं और आप इस समय अपनी स्टडी, अपने सिलेबस की रिवीजन में बिजी होंगे। लेकिन दोस्तों कुछ स्टडी से हटकर मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम के दौरान या एग्जाम से पहले आपको थोड़ा सा माइंड में रख के चलना है, जिससे कि स्टडी के अलावा जो अदर रिमेनिंग थिंग्स हैं उनकी वजह से आपका कुछ भी एग्जाम खराब ना जाए और एक कॉन्फिडेंस एग्जाम को लेके आपके मन में, आपके माइंड में बना रहे। दोस्तों तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे और आप अगर उसे फॉलो करते हैं तो रियली आपको जून 22 एग्जाम में हेल्प मिलेगी। और ये सारी बातें मैं आपको दिसंबर 21 के एक्सपीरियंस और स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। दोस्तों आइए मेरे साथ कुछ बातों को ध्यान देंगे। सबसे पहली बात दोस्तों आप मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से देखें कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, आपको ये ध्यान करना है एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर, एग्जामिनेशन सेंटर, अगर मैं दोस्तों इस एग्जामिनेशन सेंटर की बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट टाइम में 15 मिनट का कंफ्यूजन था तो वो सेंटर पे जो सिस्टम अवेलेबल थे, कंप्यूटर अवेलेबल थे, वहां जाके बैठ जाते थे जल्दी, जिससे कि वहां पर जो कंट्रोलर होता था, जो भी विजिलेटर होता था, जो भी पर्सन वहां अपॉइंट होता था एग्जाम के रूम में, वो आपको बुक लास्ट टाइम में रीड नहीं करने देता था। तो लास्ट के 15 मिनट, आधा घंटा या जितनी भी जल्दी आप कंप्यूटर के सिस्टम पे जाके अपना सीट ज्वाइन करते हैं तो वहां से आपकी स्टडी रुक जाती थी, ये बच्चों ने बताया। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? सर जी, एग्जामिनेशन सेंटर पे तो आपको एक घंटा पहले टाइम से पहुंच जाना है। भाई एक घंटा पहले भी आप पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 आवर, ठीक है ना। एक घंटा पहले आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाए, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जो आपको सिस्टम अलॉट होगा उसका भी एक पर्टिकुलर रूम होगा। तो जो भी सिस्टम आपको अलॉट होना है, पहले दिन आप 15 मिनट में बिल्कुल अपना बुक्स अपने साइड में रख के बाहर अपने सिस्टम रूम पे जा सकते हैं। वहां पर अपने कंप्यूटर पे आप अपनी सिटिंग बैठकर बिल्कुल फ्रेश माइंड से अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। 15 मिनट में पहले एग्जाम में इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम इस बार मिले, लेकिन ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट ने बोला नहीं है। और पिछली बार तो बोला था, तब भी इंस्टीट्यूट ने 15 मिनट का क्वेश्चन पेपर को रीडिंग टाइम प्रोवाइड नहीं किया था। तो उम्मीद ना रखें, लेकिन फिर भी पहले दिन आप चेक कर लें। और अगले दिन, अगर पहले दिन आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए रीडिंग टाइम 15 मिनट का नहीं मिलता है, तो अगले दिन एग्जामिनेशन सेंटर पे तो आप एक घंटा पहले पहुंच ही चुके होंगे, हल्की हल्की आप रिलैक्स माइंड से रिवीजन और रीडिंग कर रहे होंगे और सीधा बस आपको अपने सिस्टम रूम में जाना है। 5 मिनट पहले आप चले जाइए, 5 मिनट पहले आप अपने सिस्टम रूम में एंट्री ले लीजिए, आपका काम दोस्तों यहां पर हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, जो आपको स्टडी से हटकर ध्यान रखनी है, वो आपका है ऑनलाइन मॉक टेस्ट पोर्टल। देखो दोस्तों हुआ क्या, लास्ट टाइम में जब ये मॉक टेस्ट पोर्टल आई तो नई नई चीज थी, सबने बस देखे, उसको थोड़ा सा यूज किया और थोड़ा उसके बारे में समझा और सीधा एग्जाम में चले गए। तो उन्हें कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई सेक्शन ए से सेक्शन बी में, पहले सेक्शन ए कर लेते हैं फिर ही जाएंगे या फिर सी में जाएंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, पहली बात तो सेक्शन ए से किसी अनदर सेक्शन में आप बिना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सबमिट करके इजिली मूव कर सकते हैं, जा भी सकते हैं, बी से वापिस ए पे भी आ सकते हैं, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्तों, बस आपको सबमिट करना है, न्यू सेक्शन में आगे चले जाना है। लेकिन
फिर भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको यहां पर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट पोर्टल इंस्टीट्यूट के द्वारा अवेलेबल कराए गए हैं, जैसे ही वो कंटिन्यू में आते हैं, जैसे ही वो रन होते हैं, आप उन्हें चला पाते हैं, तो उसके ऊपर एग्जैक्ट 3 घंटे एग्जामिनेशन की सिचुएशन में अपने प्रैक्टिस करना। आप ये मान के उस सिस्टम को यूज करना कि मेरा 3 घंटे का एग्जाम है। दोस्तों बिल्कुल यूज करना है इन एग्जामिनेशन फॉर्म, ऐसे लगे कि आपका एग्जामिनेशन है। इस तरीके से आपको 3 घंटे कंप्लीट उस सिस्टम पे बैठ के अपने अटेम्प्ट, अपने क्वेश्चन, अपने पेपर को वहां पर अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। सेक्शन ए से सेक्शन बी पे, बी से वन पे, ये आपको देखना होगा। और इसके अंदर थोड़ा सा आपको देखना होगा कि सेक्शन ए इस बार एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप वही करें। वैसे आपको पता है 4 सेक्शन है, ए फिर सेक्शन बी देन सेक्शन सी और सेक्शन डी। दोस्तों पहली बात तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इन सबसे पहले वही करना चाहिए जो हमें एकदम इजी लगे, देखते ही लगे कि भैया इसका परफेक्ट आंसर मैं जानता हूं। तो पहले तो आप यही करना, सेक्शन ए हो या सेक्शन बी हो या सी हो या डी हो, इन चारों में से उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप अटेम्प्ट करें, या सेक्शन ए से लेकर सेक्शन डी तक की कंप्लीट एक बार देखते चले, और जो आपको पहली नजर में देखने से लग रहा है कि भैया इसका परफेक्ट आंसर मुझे पता है, 100% मैं श्योर हूं, तो आप उसे कंप्लीट करते जाइए। 60 नंबर का पेपर ऐसा होगा जो देखते ही आपको श्योर मिलेगा, तो आप उसे अटेम्प्ट करें। बाकी के पेपर के लिए सबसे पहला सीक्वेंस आप सेक्शन ए करेंगे, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन बी और लास्ट में आप करेंगे सेक्शन डी। ये सीक्वेंस आप मेंटेन करें और सबसे पहले वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जो देखते ही आपको लग रहा है कि भैया 100% मुझे आते हैं। देन इसके बाद हम तीसरी बात करते हैं आपके साथ। तीसरी बात जब हम आपके साथ करते हैं, तो पिछली बार एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहा था कि वो जो रफ शीट मिलती है उसके ऊपर वर्किंग कैसे करनी है, तो ये एकदम क्लियर है भाई, ये एकदम आपका क्लियर है जी। रफ वर्क की तरह ही यूज करना है, 100% फाइनल आंसर केवल कंप्यूटर वाला ही इवैल्यूएट होगा। तो जितना भी की नोट और जितना भी फाइनल आंसर जो आपको सही लगता है कि भैया एग्जामिनर को समझाने के लिए मुझे ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, तो आप अपना उसे करके आएंगे। तो रफ वर्क ऑन रफ शीट, ठीक है ना भाई, रफ वर्क ऑन रफ शीट और फाइनल इवैल्यूएशन होगा केवल कंप्यूटर वाले का, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, कंफ्यूजन एकदम खत्म करके चलनी है, कूल माइंड से एग्जामिनेशन में जाना है। और रियली बता रहा हूं, अगर आपने अच्छे से स्टडी की है, थोड़ा ये टाइपिंग वाले पार्ट को साइड कर दें तो चीजें सही हो जाएंगी। एकदम अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए और थोड़ी सी चीजों को मेंटेन करके चलिए, एग्जाम आपका अच्छा होगा ही होगा। एक बात और आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, अगर आपका 3 घंटे का एग्जाम है तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना दोस्तों, 3 आवर्स फुल यूटिलाइज करने हैं। फुल यहां पर यूटिलाइज करना है आपको, मतलब 3 घंटे से पहले आपको एग्जाम देकर सेंटर से बाहर नहीं आना, पूरे 3 घंटे यूटिलाइज करें। इससे क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने अपना कोई भी पेपर कंप्लीट किया, मान लो कुछ नहीं आता, 15 मिनट पहले फ्री हो गए, तो उस 15 मिनट का यूज आप अपने उस आंसर के, उस क्वेश्चन के आंसर को और थोड़ा अट्रैक्टिव करने में यूज करें, उस 15 मिनट को जो आपने अटेम्प्ट किया है और आपको लगता है साथ में नोट वाइज कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आंसर से रिलेटेड दे सकता हूं, तो की नोट की फॉर्म में एडिशन करके अपने आंसर में नोट 1, नोट 2, नोट 3 जो आपको अच्छा लगता है कि ये बातें मुझे एग्जामिनर को बतानी चाहिए, तो वो
अगर कोई टाइम बचता है, पहली बात तो 3 घंटे से पहले आपको अपने बिल्कुल सिस्टम को नहीं छोड़ना है, और अगर किसी भी सिचुएशन में आपके पास टाइम बचता है तो आप अपने ऑलरेडी किए गए क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा और अट्रैक्टिव करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर की नोट लिख के, क्योंकि पोर्टल पे आप जितना ज्यादा कुछ एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करेंगे उतने मार्क्स आपके ज्यादा आने के चांसेस हैं दोस्तों। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना, पिछली बार जैसे SFM के एग्जाम में या और कहीं पर भी किसी टेबल की जरूरत होती है, प्रेजेंट वैल्यू या D1 D2 मतलब जो भी टेबल की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये देख लेना टेबल वैल्यू या तो क्वेश्चन में ही देनी चाहिए इंस्टीट्यूट को, अगर नहीं है तो जाते ही SFM के एग्जाम में अपनी टेबल वैल्यू की डिमांड कर दे कि हमें टेबल प्रेजेंट वैल्यू वाली, ई की पावर वाली या जो भी प्रोवाइड की जाए, एटलीस्ट वहां पर जो पर्सन होगा, पर्सन इंचार्ज एग्जामिनेशन सेंटर पे, वो अरेंज कर देगा इतने स्टार्टिंग के 1 घंटे के अंदर, अगर अवेलेबल नहीं है तो पहले इंस्टीट्यूट तो इन्हें मेंटेन करके चलेगा, जो पिछली बार बच्चों को प्रॉब्लम आई थी वो इस बार ना हो। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, और इसके अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही है कि ऑनलाइन MTP को आप 3 घंटे एग्जामिनेशन के स्ट्रेस में, एग्जामिनेशन की फॉर्म में यूज जरूर करना। और लास्ट में दोस्तों, स्टडी आप अपनी करते रहिए, बाकी सभी को ऑल द बेस्ट, और मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कुछ लिस्ट है, क्योंकि दिसंबर 21 एग्जाम पैटर्न को देख के जून 22 के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कुछ लिस्ट नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। CMA की स्टडी से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेशन वीडियो आपके लिए आने वाली है। मैं आपका दोस्त CA नितिन राजपाल, अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए।